नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। सितारगंज के कृषि मंडी समिति हॉल में हुए प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला कार्यकारिणी नगर इकाई पदाधिकारियों की बैठक। बैठक में नगर के वरिष्ठ व्यापारी नेता भीमसेन गर्ग को सर्वसम्मति से जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। व्यापारियों ने इस पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। सितारगंज कृषि उत्पादन मंडी समिति में हुई प्रांतीय औद्योगिक व्यापार मंडल के जिले से आए पदाधिकारियों और नगर इकाई के सदस्यों की बैठक, जिसमें नगर के वरिष्ठ व्यापारी नेता भीमसेन गर्ग को प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बाद में आम सहमति से उन्हें जिला उपाध्यक्ष मनोनीत कर दिया गया। इस पर उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। व्यापारियों ने इस दौरान श्री गर्ग को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किए जाने पर बधाई दी। इसके बाद प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जिला और इकाई और नगर इकाई के सदस्यों द्वारा कृषि मंडी सचिव को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के आदेशानुसार राज्य सरकार से मंडी शुल्क समाप्त करने की मांग की। नवनियुक्त जिला उपाध्यक्ष भीमसेन गर्ग ने जिला कार्यकारिणी द्वारा दायित्व दिए जाने पर आभार जताया। 5 जून को केंद्र सरकार ने मंडी शुल्क माफ कर दिया पूरे देश में, लेकिन उत्तरांचल में अभी तक उस माफी का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। हमारी प्रदेश सरकार से ये मांग है कि जब केंद्र सरकार ने माफ कर दिया है तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है। जब केंद्र ने माफ कर दिया, आप इसको माफ कर दीजिए। बड़ी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। हमारी आसपास की यूपी की मंडियों में यहाँ की उपज जाने लग गई है, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ कम बढ़ती हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये लोग कम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और धीरे धीरे ये विरोध बढ़ता जा रहा है। मेरी बार बार केंद्र प्रदेश सरकार से यही अपील है कि इसको तुरंत लागू करें, क्योंकि केंद्र सरकार ने लागू किया, आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा है, आप इसको लागू करिए। बस इतनी सी हमारी मांग है। और जिले का व्यापार मंडल का आभार व्यक्त करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक दायित्व सौंपा है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला उपाध्यक्ष का प्रभार मुझे दिया है और मैं उसे बखूबी निभाने का प्रयास करूंगा। ये जिला एवं प्रदेश का आभार व्यक्त करता हूँ।